हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। हमने बैक्टेरियोलॉजी की सीरीज़ स्टार्ट की थी, जिसमें हमने क्लॉस्ट्रिडियम ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर दिया है। ये इसका लास्ट लेक्चर तो नहीं है, बस इसकी लैब डायग्नोसिस रह गई है, वो भी जल्दी अपलोड हो जाएगी। तो हमने क्लॉस्ट्रिडियम लास्ट लेक्चर्स में हमने लास्ट वीडियोज़ में हमने क्लॉस्ट्रिडियम परफिरिंजिस की मॉर्फोलॉजी वगैरह सब पढ़ लिए। मॉर्फोलॉजी, टॉक्सिन्स और पैथोजेनेसिस हम सब कवर कर चुके हैं, और लैब डायग्नोसिस भी अपलोड जल्दी हो जाएगा। तो इसमें हम देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में मतलब हम ये देखेंगे कि कैसे कैसे ये हमारी मतलब जो बैक्टीरिया हैं, जो क्लॉस्ट्रिडियम परफिरिंजिस हैं, वो हमारी बॉडी में क्या क्या करते हैं, मतलब वो कैसे एंटर करते हैं और कौन से इन्फेक्शन करते हैं, कहाँ से इन्फेक्शन करते हैं, तो इसमें हम यही देखेंगे। तो देखिए, ये क्लॉस्ट्रिडियम वुंड इन्फेक्शन करते हैं। क्लॉस्ट्रिडियम एंट्रिक इन्फेक्शन होता है और एक सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन होता है। क्लॉस्ट्रिडियम वुंड इन्फेक्शन में क्या होता है कि ये जो दो तरीके से ये एंटर करते हैं, एक तो है ना वो फूड से एंटर करते हैं, एक होता है कि वो कहीं इंजरी हो जाती है, कहीं हमारे कट लग जाता है, कहीं वूंड हो जाता है, तो ये उससे एंटर करते हैं। तो वुंड इन्फेक्शन वो इसी तरीके से मतलब है ना, वो क्या होगा कि यहाँ पे ये हमारी स्किन है और यहाँ पे कहीं चोट लग गई, ठीक है, ये स्किन है और ये चोट लग गई, कट लग गया, हमारी इंजरी हो गई। तो बैक्टीरिया सपोज़ कीजिए, यहाँ हमने सॉइल में कुछ किया, हमने डस्ट में कुछ किया, या फिर हमने कुछ अनटाइडी, या मतलब हम कहीं ऐसे इन्वायरमेंट में गए जहाँ पे ये परफिरिंजिस अवेलेबल हैं, ठीक है, तो ये बैक्टीरिया यहाँ से वुंड से एंटर कर जाएंगे। तो सिंपल वुंड कंटामिनेशन क्या होता है कि ये केवल है ना, ये वुंड के सरफेस पे ही रहते हैं, ये अटैक नहीं करते हमारी बॉडी पे, हमारे टिश्यूज़ पे अटैक नहीं करते, ठीक है, विदाउट इन्वेजन ऑफ एनी टिश्यू, ये केवल वुंड सरफेस पर रहेंगे, ज़्यादा इन्फेक्टिव नहीं रहेंगे। हाँ, ये है कि इन्फेक्शन हो जाएगा अगर फिर ये जल्दी से वुंड कवर नहीं होता, सही नहीं होता, हम इसका ट्रीटमेंट नहीं कराते, तो ये मे भी चांसेस हैं कि ये अंदर तक हो जाए, ठीक है। तो ऐसे ही फिर हम सेल्युलाइटिस को देखते हैं। सेल्युलाइटिस भी हो जाता है वुंड इन्फेक्शंस में सेल्युलाइटिस भी हो जाता है। तो सेल्युलाइटिस में क्या होता है कि जैसे अब ये ऊपर की स्किन हो गई बिल्कुल, ठीक है, ये वुंड हो गया, जहाँ पे हमारी इंजरी हुई है वहाँ पे यहाँ पे चोट लगी, ठीक है। अब ये थोड़ा एंटर नीचे करेगा, नीचे एंटर करेगा मतलब स्किन से थोड़ा नीचे एंटर करेगा, डीपर सरफेस में, ठीक है, मोर डीपर देन दी वुंड सरफेस, मतलब जो फेशिया हो गया हमारी, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, ये वहाँ पे एंटर करेगा। ये तो हो गई हमारी स्किन जो कि सबसे पहली लेयर हो गई, उसके बाद हमारी आती है सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, ये सब आती हैं। तो जो अब बैक्टीरिया है वो वुंड तक तो रह गया, जिसको हम बोलेंगे सिंपल वुंड कंटामिनेशन। अब वो सेल्युलाइटिस होगा तो वो जब नीचे जाएगा, नीचे अटैक करेगा जैसे फेशियाज पे, तो वहां पे ये इन्फेक्ट करेगा उसको, तो उसको हम बोलेंगे सेल्यूलाइटिस। इसमें कोई मसल इन्वेजन नहीं होता, मतलब ये है कि मसल पे अटैक नहीं करते, ये मसल को इन्फेक्ट नहीं करते, मसल को डैमेज नहीं करते, ठीक है। इसमें है ना, ये लेस टॉक्सिन रिलीज करेगा। और फेशियाइटिस भी होता है, जिसको हम मायोसाइटिस भी बोलते हैं। फेशियाइटिस क्या होता है, इसमें मसल्स इन्वॉल्व होती हैं। अब ये और डीपर चला गया, ये हो गई हमारी मसल, ठीक है, ये हो गई हमारी मसल, ये मसल का सरफेस हो गया और ये हमारी मसल्स हो गई, है ना, तो ये मसल्स हो गई, वो ये मसल सरफेस हो गया, ये मसल्स हो गई। तो फेशियाइटिस वही होता है कि अगर ये है ना मसल के सरफेस पर रहे, उसके प्लेन पर रहे, उसके सरफेस पर रहे, तो उसको हम फेशियाइटिस बोलेंगे। फेशियाइटिस, FASCII, ठीक है। तो अब इसको फेशियाइटिस बोलेंगे जिसमें क्या हो जाता है, एक्यूमुलेशन हो जाता है गैसेस का, ठीक है, मसल टिश्यूज़ में एक्यूमुलेशन हो जाएगा, उसके सरफेस पे एक्यूमुलेशन हो जाएगा। और मतलब वो भी कैसे होता है, क्योंकि वो वहाँ पे टॉक्सिन रिलीज़ करते हैं। अब गैस गैंग्रीन देख लेते हैं। अब ये सबसे सीवियर कंडीशन होती है जब जब ये पूरा मसल टिश्यूज़ को डैमेज करता है, पूरा मसल टिश्यूज़ को डैमेज करता है, यहाँ पर गैस फॉर्मेशन करता है। और ये थोड़ी मतलब क्रिटिकल स्टेज नहीं होती, ये सबसे ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज होती है, क्योंकि इसमें मसल्स इन्वॉल्व होती है, और यहाँ पर ये गैस गैस फॉर्मेशन करता है, बबल फॉर्मेशन करता है, क्योंकि वो पूरे मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर देता है, जिसकी वजह से गैस रिलीज होती है। तो ये तो हो गए हमारे वुंड इन्फेक्शन के, वुंड मतलब अगर ये वुंड से एंटर करेगा तो कैसे कैसे मतलब ये स्किन के सरफेस को भी इन्फेक्ट कर सकता है, ये स्किन वो नीचे जाके फेशिया को भी इन्फेक्ट कर सकता है। एक तो क्या मसल वो सरफेस हो गया और एक उसके अंदर डीपर साइड पे चला जाएगा, फिर एक मसल सरफेस को भी इन्फेक्ट करता है, जिसको हम फेशियाइटिस बोलते हैं, फिर एक मसल टिश्यूज़ को, पूरा मसल टिश्यूज़ को डैमेज कर देगा। तो फिर हम देखेंगे इसके क्लॉस्ट्रिडियम एंट्रिक इन्फेक्शन, सेकेंड वाला, ठीक है।
तो फूड पॉइजनिंग करता है, एंट्रिक इन्फेक्शन अगर हम पढ़ें तो कहीं पे भी, तो ये होगा कि ये फूड इन्फेक्शन करता है क्योंकि ये GIT से रिलेटेड है। तो GIT से रिलेटेड अगर हम इसको इसको हम इंटेक कर लेते हैं मतलब कंटामिनेटेड फूड को, तो ये उससे होता है। तो क्लॉस्ट्रिडियम परफ्रिंज यहाँ पे जो फूड पॉइजनिंग करते हैं वो कौन से वाले बैक्टीरिया करते हैं, टाइप ए एंटोटॉक्सिन करते हैं, ठीक है। टाइप ए जो होंगे वो एंटोटॉक्सिन रिलीज करेंगे। और अगर हम पूछें कि फूड पॉइजनिंग मतलब कौन सा टॉक्सिन करता है, तो हम बोलेंगे कि एंटोटॉक्सिन करता है, ठीक है। तो इसको हम CPE भी बोलते हैं, क्लॉस्ट्रिडियम परफ्रिंजस एंटोटॉक्सिन। ये इससे फूड पॉइजनिंग होती है। तो अगर हम है ना फूड को कुक नहीं करते, प्रॉपरली कुक नहीं करते, तो उससे क्या होता है कि स्पोर्स सर्वाइव कर जाते हैं। और फिर जब वो जो कि हीट रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है। और जब वो फूड जब ठंडा होने लगेगा तो वो दोबारा से जर्मिनेट करने लग जाते हैं, दोबारा से खुद को रीग्रो कर लेते हैं। और फिर उससे उससे क्या होगा, और फिर वो अपना टॉक्सिन रिलीज करेंगे, जिसकी वजह से वो इंटेस्टाइनल एपिथीलियम को वो इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन को एपिथीलियम को वो डैमेज करना स्टार्ट करेंगे। डैमेज भी कैसे करेंगे, क्योंकि उसमें वो जब टॉक्सिन रिलीज होगा तो वहाँ पे पोर्स होने लग जाएंगे। पोर्स होने लग जाएंगे तो अब सीधे सीधे इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन डैमेज हो गए। ये हमने पैथोजेनेसिस में कवर कर चुके हैं हम। तो डिटेल में अगर पढ़ना है तो उधर उधर से आप पढ़ सकते हैं। तो मेम्ब्रेन डैमेज हो गई, अब मेम्ब्रेन डैमेज हो गई वो पोर्स से हो गई, अब पोर्स भी होने लग जाएंगे, फिर इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन में पोर्स होने लग जाएंगे, तो वो आगे जाके अब वो डैमेज हो गई तो वो ब्लड स्ट्रीम में भी चले जाएंगे। यहाँ ब्लड हो गया, ये मेम्ब्रेन हो गई, तो ब्लड स्ट्रीम में भी चले जाएंगे, जिससे ये ब्लड पॉइजनिंग भी कर देंगे। अब इसके इन्फेक्टिव डोज देख लेते हैं कि अगर ये इतने अमाउंट में, इतनी क्वांटिटी में अगर बैक्टीरिया हमारे फूड में प्रेजेंट हो, तो वो जैसे 10^8 वेजिटेटिव बैसिलाई अगर हमारे फूड में प्रेजेंट हो तो ये हमारे तो ये इन्फेक्शन कर सकती हैं, ठीक है। तो एंटोटॉक्सिन रिलीज करेंगे ये और फिर हमें इन्फेक्शन कर देंगे। तो इन्फेक्टिव डोज इसकी कितनी है कि अगर 10^8 बैसिलाई, 8 मतलब 10^8 वो विदाउट स्पोर फॉर्मेशन वाले, मतलब वेजिटेटिव मतलब जिन्होंने स्पोर फॉर्मेशन ना किया हो, वो हमारे फूड पर प्रेजेंट हो, जिसको हम कंटामिनेटेड फूड बोलेंगे, तो उससे फिर वो एंटोटॉक्सिन रिलीज करेंगे, जिससे कि इन्फेक्शन होगा। डायग्नोसिस तो फिर हम उसको इम्यूनोएसिस से करा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके फिशेज का हम सैंपल लेंगे, उसमें अगर हमें एंटोटॉक्सिन मिला तो मतलब हमें पता चल जाएगी कि ये फूड पॉइजनिंग का केस है। एंट्राइटिस नेक्रोटिकन्स को हम एंट्राइटिस नेक्रोटिकन्स भी एक डिसीज़ करते हैं ये, जिसको पिगबेल और डामब्रेंड भी बोला जाता है। ये गैस गैंग्रीन करते हैं, ठीक है। और ये स्टमिक, ये जेजियोनम में और ईलियम में ये नेक्रोसिस कर देते हैं, और टिश्यूज़ प्लेन में ये गैस फॉर्मेशन कर देते हैं। टिश्यूज़ में, टिश्यू के प्लेन मतलब टिश्यू का जो सरफेस होगा उस पर गैस फॉर्मेशन कर देते हैं, और ये कॉज करता है टाइप सी, जो कि प्रोड्यूस करता है बीटा टॉक्सिन। अब हम इसको जैसे इन्यूमरेट करें कि क्लॉस्ट्रिडियम परफ्रिंजस कौन कौन से डिसीज़ करता है, वो तो हमने मेन मेन डिसीज़ कर ली, लेकिन उनके अलावा भी कौन सी डिसीज़ होती हैं। तो ये एक तरीका ये है कि हमें नाम याद होने चाहिए कि वो क्या क्या करता है। गैस गैंग्रीन और फूड पॉइजनिंग और एंट्राइटिस वगैरह के अलावा वो बहुत चीज़ें कॉज करता है, तो ये हमें देखना है। जैसे कि गैस गैंग्रीन तो पता ही है कि है ना कि वो उससे अल्फा टॉक्सिन से करता है, फूड पॉइजनिंग भी हमको पता है एंडोटॉक्सिन से करता है। ऐसे ही गैस नेक्रोटाइजिंग एंट्राइटिस है। नेक्रोटाइजिंग एंट्राइटिस क्या होता है कि जो फूड ये भी फूड पॉइजनिंग करता है, ये बीटा टॉक्सिन से फूड पॉइजनिंग करता है। जैसे ये CPE से करता है और ये अल्फा टॉक्सिन से करता है, ऐसे ये बीटा टॉक्सिन से फूड पॉइजनिंग होती है, ठीक है। गैंग्रीनस अपेंडिसाइटिस क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है अपेंडिक्स में, इन्फ्लेमेशन हो जाता है अपेंडिक्स में। और ब्रेन एब्सिस और मैनिंजाइटिस हो जाता है, इसका मतलब तो आपको पता ही होगा। और यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है, जब यूरिन के पैसेज जेनाइटल एरिया में इन्फेक्शन हो जाता है बैक्टीरिया का। और पेन ऑप्थेलमाइटिस होता है, वो बिलियरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। पेन ऑप्थेलमाइटिस क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन हो जाता है आई की सारी लेयर में, जो भी उसकी कोटिंग होती है आई की, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। बिलियरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जहाँ से जो बाइल होके जाता है उस रास्ते में इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि तो हम इसको बोल देंगे इन्फ्लेमेशन ऑफ बाइल डक्ट।
जहाँ से भी बाइल होता हुआ जाएगा उस रास्ते में इन्फेक्शन हो जाता है। सेप्टिसीमिया भी, सेप्टिसीमिया जो होता है वो ब्लड एक तरीके का, मतलब उसको हम ब्लड पॉइजनिंग भी बोल सकते हैं। तो ब्लड पॉइजनिंग और एंडोकार्डाइटिस हो जाता है। ब्लड पॉइजनिंग में यही है कि वो जैसे स्किन और लंग के थ्रू वो हमारे ब्लड में एंटर कर जाता है, जैसे कि हमने प्रोसेस में पढ़ा है। एनएरोबिक सेल्युलाइटिस भी वही है, सेल्युलाइटिस हम पढ़ चुके हैं, जो कि है ना, जो कि मसल, जो कि हमारी स्किन के डीपर टिश्यू को इन्फेक्ट करता है। टॉक्सिक सॉक्स सिंड्रोम भी होता है, और स्किन और सॉफ्ट टिश्यू में भी इन्फेक्शन करता है। बैक्टीरियमिया, बैक्टीरिया में मतलब बैक्टीरिया हमारे ब्लड में एंटर कर जाए तो उसको हम बैक्टीरियमिया बोलते हैं। अगर हम देखें इसके ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट का ट्रीटमेंट अगर देखे जाएं तो क्या होता है कि हम इसमें सर्जरी, गैस गैंग्रीन में सर्जरी प्रेफर करते हैं, सर्जरी कराते हैं गैस गैंग्रीन में। और हम देखें एंटीबायोटिक देते हैं, हम एंटीबायोटिक देंगे जब हमें इन सबको ट्रीट करना होगा तो हम एंटीबायोटिक देंगे। एंटीबायोटिक के अलावा उसमें हम मतलब मेट्रोनिडाजोल देंगे और पेनिसिलिन जी भी दे सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए, पेनिसिलिन जी। और इसको हमें देना होगा इंट्रावेनसली, देना होगा सर्जरी से पहले, ठीक है। सर्जरी से पहले हमको इसको इंट्रावेनसली देना होगा, बिफोर सर्जरी। और अगर हम ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें तो, सॉरी, ये तो ड्रग ऑफ चॉइस ही हो गई, ठीक है। और हम इसमें और क्या दे सकते हैं, पहले तो हम इसका वो ड्यूरेशन जान लेते हैं। हमें इसको 8 घंटे बाद, मतलब 8 घंटे बाद, 24 घंटे में 8 घंटे के ड्यूरेशन पे देना होता है, ठीक है। 8 घंटे मतलब क्या है कि 8 आवर्स फॉर 24 आवर्स, 24 घंटे में इसको 8 घंटे के ड्यूरेशन पे गैप में देना पड़ता है, ठीक है। और क्लिंडामाइसिन भी दे सकते हैं हम, क्लिंडामाइसिन एंड सिफेलोस्पोरिन भी दे सकते हैं। और जहाँ तक इसमें इम्यूनिटी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो हम इसको आर्टिफिशियल इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ट्रीटमेंट में तो ये हो गया, और बाकी हमने बाकी लैब डायग्नोसिस हम अपलोड कर ही देंगे, और इसमें सारा कवर हो गया है। तो पूरा आपका क्लॉस्ट्रिडियम परफ्यूजिस भी ख़त्म हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड लाइक द लेक्चर, देन सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।